बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना चल रहा है, आज इफ्तारी के लिए जो है ना हम फ्रेश ऑरेंज जूस बनाने जा रहे हैं। फ्रेश ऑरेंज जूस के लिए ये हमने 5 अदद बड़े वाले ऑरेंज लिए हैं, थोड़ा सा हमने नमक लिया है, और सिंपल सादा जूस जो है ना हम बनाने के लिए, ये आसान है बनाना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये हम ऑरेंज काट लेते हैं इसी तरह। ऑरेंज हमने काट लिए हैं, हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जूस बनाना शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक छोटी सी मशीन है, इसकी मदद से हम बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि रमज़ान का महीना है, ये इफ्तारी के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें हम बर्फ नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ हमारे स्विट्ज़रलैंड में सर्दी है, ठंड है, थोड़ा सा मौसम ठंडा है, इस वजह से हम बर्फ इसमें नहीं ऐड करेंगे। सकते हैं बिल्कुल इसका निकल जाता है। ये जूस तकरीबन हमारे 2 गिलास जितना निकल आया है, बल्कि ज़्यादा है। फ्रेश जूस बन के रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन जूस, फ्रेश, बिल्कुल अफ्तारी के लिए ये तोहफा है जनाब। थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें, काला नमक भी डाल सकते हैं, सुरख वाला भी डाल सकते हैं। मेरे पास चूँकि ये वाइट नमक मौजूद है, यही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स कर लेते हैं। तारे के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। ऑरेंज जूस हमने आप लोगों के सामने बनाया, फ्रेश ऑरेंज जूस। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को एंड तक देखा करें। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर लिखा करें। क्योंकि बर्फ़ हमने इसमें नहीं डाला है, इसलिए कि यहाँ पे सर्दियों का मौसम है, यानी ठंड है स्विट्ज़रलैंड में। तो दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।